मोमोज का नाम सुनते ही बच्चे बड़ों सभी के मुंह में आ जाता है पानी। मोमोज कई तरीकों से बनाए जाते हैं, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही यम्मी मार्केट स्टाइल वेज मोमोज, वो भी नए ट्विस्ट के साथ। ये रेसिपी इतनी टेस्टी होगी कि इसके सामने आप बाजार के मोमोज भी छोड़ देंगे और बहुत ही आसानी से आप इसे बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही झटपट और आसान वेज मोमोज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुपर टेस्टी वेज मोमोज को बनाने के लिए यहां मैं ले रही हूं 2 कप मैदा। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। अच्छे से इसे कर लेंगे मिक्स। फिर इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो हमें बनाना है, ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और ना बहुत ज्यादा सख्त। अगर आटा को आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देंगे तो मोमोज स्टीम लेते समय फट जाएंगे। अच्छे से मसलते हुए इसका डो बनाएंगे। जितना चिकना आप डो बनाएंगे उतने ही मोमोज आपके बढ़िया बनेंगे। और इस तरह का आटा हम गूंथ लेंगे, ना तो ज्यादा सॉफ्ट और ना ज्यादा टाइट। अब इसे ढककर 15-20 मिनट रेस्ट पर रख देंगे। तो जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं मोमो की फिलिंग। सबसे पहले गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन और फ्लेम को कर देंगे मीडियम। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बारीक कटे हुए प्याज। इसे हल्का सा सोटे कर लेंगे। फिर डाल देंगे इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी प्याज के साथ हल्का सा भून लेंगे। और अब इसमें जाएगा 2 कप पत्ता गोभी। इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो कच्ची सब्जियों की भी फिलिंग बना सकते हैं, या चाहें तो इस तरह से सब्जियों को भून लें, ये आपकी चॉइस है। मैं इसे हल्का सा इसलिए भून रही हूँ जिससे कि सब्जियों का कच्चापन निकल जाए और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 ग्रेट की हुई गाजर। आप चाहें तो इसे बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब सभी को हल्का सा सोटे करेंगे। इसी के साथ जाएंगी इसमें 2-3 कटी हुई हरी मिर्च। अब डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक। इसे भी कर लेंगे बढ़िया से मिक्स। और अब हमारी मोमोज की स्टफिंग हो गई है बिल्कुल तैयार। तो गैस को कर देंगे ऑफ और अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब स्टफिंग पूरी तरह से ठंडी हो गई है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है पनीर। जी हाँ, पनीर डालने से मोमोज का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपने इस तरह से मोमोज अभी तक नहीं बनाए हैं तो एक बार इस तरह से जरूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब आटे को चेक कर लेंगे। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है, एक बार इसे मसल लेंगे। और थोड़ी सी मैंने ले ली है सूखी मैदा। अब इसमें से थोड़े आटे को लेकर इसकी लोई बना लेंगे और फिर इसे बेलेंगे। अगर चिपक रहा हो तो सूखी मैदा आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो एक एक करके भी शीट को बेल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे तो मोमोज का साइज एक सा रहेगा और काम भी आसान हो जाएगा। देखिए इतना पतला रखना है इसे। अब आप लीजिए कोई गिलास या कटोरी और इसके ऊपर रखकर इसे काट लीजिए। अब ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम हटा देंगे और बचे हुए आटे में मिलाकर दोबारा फिर से बेल लेंगे। पहले हम सीट तैयार कर लेंगे, बाद में इसमें फिलिंग करेंगे। अब देखिए एक ही साइज की पूड़ी हमने तैयार कर ली है। अब लेंगे बनाई हुई पूड़ी और इस पर रखेंगे बनाई हुई 1 चम्मच स्टफिंग और इसके किनारे पर थोड़ा सा लगा देंगे पानी, जिससे कि ये आसानी से चिपक जाए और खुले नहीं। अब एक तरफ से इसे उठाएं और इस तरह से प्लेट्स बनाते जाएं। बहुत ही आसान है इसे बनाना, आप इजली इसे बना लेंगे। बस इस तरह से आप प्लेट्स बनाते जाएं और एक जगह पर होल्ड रखें। आधे में प्लेट्स बनाने के बाद इसे इस तरह से चिपका देंगे और हमारा मोमोज हो जाएगा तैयार।
ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। एक और दिखाती हूँ आपको, किनारे पर लगा लें थोड़ा सा पानी और इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स इसमें डालते जाएं। आधे में हमें प्लेट्स डालना है, फिर बचे हुए पार्ट को हमें इसके साथ चिपका देना है। और ये लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से हम अपने सारे मोमोज की शेप तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारे सारे ही मोमोज बनकर तैयार हैं और ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इन्हें स्टीम करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ सिंपल चावल छानने वाली चलनी। आपके पास अगर मोमो स्टीमर है तो आप उसे भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले इस पर थोड़ा सा लगा लेंगे ऑयल, जिससे कि मोमोज इसमें चिपके नहीं। अब यहाँ मैंने भगोने में 2 गिलास पानी गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। अभी अच्छे से गर्म हो गया है तो इस पर रखेंगे ये छलनी और इस पर बनाए हुए मोमोज को एक एक करके रख देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, आसानी से जितने मोमोज इस पर आ जाए उतने ही मोमोज को हम इसमें रख देंगे, जिससे ये अच्छे से स्टीम हो सकें। अब इसे कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट इन्हें मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने देंगे। 10-12 मिनट हो गए हैं और हमारे मोमोज बनकर के तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर की लेयर भी हमारी ट्रांसपेरेंट और शाइनी दिख रही है। बहुत ही अच्छे से स्टीम हुए हैं मोमोज। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे मोमोज को स्टीम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सुपर टेस्टी इजी टू कुक मोमोज की बेहतरीन रेसिपी। अब इसका मजा तभी है जब इसके साथ एक लाजवाब सी ऑथेंटिक मोमोज की चटनी बनाई जाए। आपको पता है कि इस यूनिक मोमोज चटनी की रेसिपी मैं पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और इस वीडियो में मैंने आपको मोमोज की रेसिपी बताई। तो आप अभी वीडियो पर दी गई मोमोज चटनी पर क्लिक कीजिए और जाकर देखिए कि कितनी अच्छी बनकर तैयार होती है ये मोमोज की चटनी। इतना कि आप इसे पूरी, पराठे, रोटी, कचौड़ी या किसी भी स्नैक्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो पर जाइए, मोमोज बनाइए और चटनी भी बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये मोमोज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।